लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शेफू बाबजरा और आप देख रहे हैं शेफू बाबजरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको बताने लगे कि बटाटे वड़े कैसे बनते हैं, बटाटे वड़े होते क्या हैं। बटाटे वड़े बेसिकली एक आलू की टिक्की है, जिस तरह आम आलू की टिक्कियाँ बनती है ना वैसे होती है, लेकिन उससे बहुत आसान होती है। और इसमें और आम उसमें डलता है, हम नॉर्मली जो आम आलू की टिक्की बनाते हैं उसमें डालते हैं धनिया या पुदीना। इसमें डलते हैं जी करी पत्ते। करी पत्ते क्या होते हैं? करी पत्ते जी, जिस तरह हम लाहौर में या पंजाब साइड पे पुदीना या धनिया आराम से मिलते हैं, इसी तरह जो करी पत्ता है वो कराची वाली साइड पे आराम से मिलता है। और उसका प्लांट जो है वो मैंने घर पे रखा हुआ है, तो ये इस वीडियो में आप उसका प्लांट देख लें कि वो कैसा होता है। हाँ जी, तो ये है जी मेरा करी पत्ते का प्लांट, जिसको मैंने काफ़ी देर से घर में लगाया हुआ है। और इसका बहुत फ़ायदा होता है, जब भी बटाटे वड़े खाने का दिल करता है हम इसमें से पत्ते तोड़ते हैं और इसका तड़का लगाते हैं और बड़े मज़े से बटाटे वड़े खाते हैं। तो आप भी ये वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि ये जो वीडियो है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले की रिकॉर्ड करके रखी हुई है, तो इसकी एडिटिंग वगैरह मैं अब कर रही थी। तो फ्रंट और बैक जहाँ पे मैं आती हूँ, जहाँ पे अभी मैं आ रही हूँ, तो ये मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ और एडिटिंग मैं अब करके अपलोड करने लगी हूँ इसको। और इसके साथ हम बना रहे हैं जी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, और वो भी बहुत मज़े की है, बहुत आसानी से बन जाएगी। और ये इसका जो बटाटे वड़े का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है करी पत्ता। और ये बस एक करी पत्ता ऐड हो जाने से ना इसका पूरा का पूरा जायका ही बदल जाता है, और इमली की चटनी के साथ बटाटे वड़े का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से बटाटे वड़े और उनके साथ खट्टी मीठी सी इमली की चटनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे खट्टी मीठी सी इमली की चटनी, और उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे इमली का पल्प, यानी कि इमली को हम भिगो के रख देंगे, तो उसका जो गूदा निकलेगा वो हमें चाहिए 1 कप। और इसके बाद हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, और चीनी के बाद हम लेंगे 1/2 टीस्पून दादर मिर्च, और हमें चाहिए 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा, और इसके बाद हमें चाहिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, और अजवाइन के बाद हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा लहसुन का जवा। हमने लहसुन इसमें जस्ट टेस्ट के लिए डालना है, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं करना लहसुन का, इसलिए ये साइज़ आप देख लें, बिल्कुल छोटा सा आपने जवा लेना है, ठीक है। और बिल्कुल आखिर में हम नमक लेंगे 2 टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, आपको जितना पसंद है, जितना आपको चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम करेंगे लहसुन को चॉप, और चॉप की हुई चीज़ में और कुटी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है फ्लेवर का। आप कभी इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा तो देखिएगा आपको फ्लेवर में कितना चेंज फील होगा। तो ये लीजिए, ये लहसुन हो गया है चॉप। तो अब हम लेंगे एक सॉस पैन और उसमें डालेंगे इमली का पल्प, और इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और कुछ टाइम इसको पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, जितना आपने पल्प लिया होगा उसकी 1/2 जो है वो चीनी डलेगी, लेकिन फिर भी आप चीनी को और पल्प को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको जो चीज़ पसंद है कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये रेसिपी एक छोटे बाउल के जितनी चटनी की है, अगर आपको ज़्यादा चटनी रिक्वायर्ड हो तो आप इसी रेसिपी को डबल ट्रिपल जितना करना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। और चीनी डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक पकाया है, और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। और लहसुन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सिर्फ टेस्ट के लिए डालना है, तो बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे। तो अगर आप लहसुन की जगह लहसुन पाउडर डालना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अजवाइन, और अजवाइन को ऐड करने का तरीका क्या होता है, हथेली पर आपने डालनी है अजवाइन, और उसको इस तरह हल्का सा रब करना है, और फिर आपने डालना है। अगर आप डायरेक्ट अजवाइन डालेंगे तो उसका कभी भी मज़ा नहीं आता। अजवाइन को डालने का जो असल तरीका होता है वो यही होता है, इस तरह से उसकी खुशबू भी निकलती है और जायका भी डबल हो जाता है। तो ये हमने अजवाइन इसमें ऐड कर दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दादर मिर्च, और दादर मिर्च के बाद हम ऐड करेंगे भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा और नमक। और नमक ऐड करने के बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक आपको अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। अगर आपने पतली चटनी बनानी है तो पतली बना लें, और अगर गाढ़ी बनानी है तो गाढ़ी बना लें। लेकिन अगर आपने इस चटनी को 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करना है
तो आपने पतली ही बनानी है ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाए। हाँ जी, तो अब बारी है जी बटाटे वड़े बनाने की, तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg उबले हुए आलू, और इनको मैंने बॉईल कर लिया और उसके बाद इनको छील लिया है। और ये है जी फ्रेश करी पत्ता, ये तो इस रेसिपी की जान है ना, मतलब इसके बगैर तो बटाटे वड़े बन ही नहीं सकते। तो इस तरह की हम 2 टहनियाँ यूज़ करेंगे, आप चाहें तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इसका ज़्यादा फ्लेवर पसंद है तो, इट्स टोटली अप टू यू। इसका प्लांट आप किसी भी नर्सरी वाले को कह के मंगवा सकते हैं और उसके बाद आप उसको घर में लगा लीजिएगा जैसे मैंने लगाया हुआ है। और ये तो हर उस घर में होना चाहिए जिस घर वालों को मतलब मज़े मज़े के खाने खाने की आदत है, क्योंकि इसके बटाटे वड़े इतने मज़े के बनते हैं। उसके अलावा मूंग की दाल में इसका तड़का लगता है, उसमें भी उफ बहुत ही मज़ा आता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे खाने बनते हैं जिनमें करी पत्ता डलता है। और ये जो अब मैं दिखा रही हूँ इसको तेज पत्ता कहा जाता है, इसको इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं और उर्दू में तेज पत्ता कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको करी पत्ता समझते हैं जबकि ये करी पत्ता नहीं है, तो आज आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि करी पत्ता कौन सा होता है और तेज पत्ता कौन सा होता है। इसके अलावा नमक हम लेंगे 2 टेस्ट, और अजवाइन हम लेंगे 1 टीस्पून, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया हम लेंगे 1.5 टीस्पून, और ज़ीरा हम लेंगे 1/2 टीस्पून, और कोशिश कीजिएगा कि पाउडर ना यूज़ करें, इस तरह दर दर फॉर्म में यूज़ करें। और जस्ट 2 पिंच हमने ऐड करने हैं टाटरी के, और इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है। और अब हम लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टीस्पून हमें चाहिए दादर मिर्च, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए रेड चिली पाउडर। और स्पाइस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और 3-4 टेबलस्पून हम लेंगे कुकिंग ऑयल का, और इससे हम इसका तड़का रेडी करेंगे। और ये वही कुकिंग ऑयल है जो रेगुलर कुकिंग में यूज़ होता है। तो ये थे जी सारे इंग्रेडिएंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। और अब आप देखिएगा कि इनको बनाना कितना आसान है। सबसे पहले तो हम सारे के सारे पोटैटोस को मैश कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम तीखा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, और अब इसमें ऐड होगी दादर मिर्च, गरम मसाला और हल्दी, और 2 चुटकी टाटरी के ऐड होंगे, और भुना कुटा हुआ सूखा धनिया और जीरा, और ये है जी अजवाइन। और इसको ऐड करने का तरीका मैंने आपको इमली की चटनी वाली वीडियो में सिखाया है, और बिल्कुल वैसे ही हम इसमें भी ऐड करेंगे। और अब बस इन मसालों को हम अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। और ये है जी नमक, जो कि आपकी शेफ ऐड करना भूल गई थी, लेकिन आप ना भूलिएगा, नहीं तो आपको भी अपनी मम्मी से डांट पड़ेगी जैसे अभी मुझे पड़ी है। और अब हम उसका तड़का रेडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल और इसको हीट अप कर लेंगे, और जब ये हीट अप हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश करी लीव्स, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है और ये किस तरह मिलता है। तो यहाँ मैं आप सबको एक बहुत ज़रूरी टिप देना चाहूँगी कि जैसे कि आप सबको ही पता होगा कि जब भी हम तड़के की कोई भी चीज़ रेडी करते हैं तो उसमें एक बिल्कुल भी हम पानी नहीं रहने देते, नहीं तो हमारा तड़का जल जाता है। तो इसी तरह जब आपने इन पत्तों को वॉश करना है तो आपने इनको 2-3 घंटे तक ड्रेन होने देना है, इनका पानी अच्छे से खुश्क होने देना है, और उसके बाद आपने इनको तड़के में ऐड करना है ताकि आपका तड़का जले ना। और हमने इन पत्तों को तब तक पकाना है जब तक ये सारे के सारे पत्ते ग्रीन से ब्राउन नहीं हो जाते। तो जैसे ही ये अपना कलर चेंज कर लेंगे तो आपका तड़का रेडी हो जाएगा, और ये आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। और इसमें आपको 2-3 मिनट भी लग सकते हैं, 5-6 मिनट भी लग सकते हैं, तो देख लीजिएगा, थोड़ा हल्की आंच पे कीजिएगा ताकि आराम आराम से पत्ते फ्राई हों। कोई भी पत्ता ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा फ्राई हो गया और कोई नहीं हुआ, सारे इवनली फ्राई होने चाहिए, ठीक है। सो अब हमने करना ये है कि जो हमने पोटैटो का बैटर बनाया था उसके सेंटर में हमने थोड़ी सी जगह बनानी है, और उसमें ऐड कर देना है ये कड़ी पत्ते का मज़ेदार सा तड़का। और तड़का ऐड करने के बाद पहले आपने उसको स्पून से थोड़ा मिक्स कर लेना है, और फिर आपने उसको हाथ से मिक्स करना है। पहले आपने हाथ से मिक्स नहीं करना क्योंकि वो थोड़ा गर्म होगा, सो बी केयरफुल। तो अब मैं बना रही हूँ जी बटाटे वड़े, और ये आपने देख लेना, ये आप थोड़ा छोटे साइज में बनाइएगा क्योंकि अभी इसके ऊपर आनी है कोटिंग बेसन की। तो जब बेसन की कोटिंग आएगी तो इसका साइज वैसे ही बड़ा हो जाएगा। सो पहले आप उसको छोटा बनाइएगा, अगर आप पहले उसको बड़ा बनाएंगे तो वो आपसे हैंडल ही नहीं होगा। तो ये देख लीजिएगा, इसी साइज के बनाइएगा।
तो अब है जी फाइनल स्टेप, जिसमें हम बटाटे वड़े की बेसन से कोटिंग करेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपने जितने बनाने हो उस हिसाब से। और इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून के हिसाब से नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, दादर मिर्च और लाल मिर्च। बेसन में तो आप वैसे भी अपने पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हल्के फुल्के से स्पाइसेस इसमें ऐड करने का जो मेन पॉइंट है वो यही होता है कि बेसन का जो एक अपना फीका सा टेस्ट होता है ना, वो जरा कम हो जाए और बड़ा मजेदार सा टेस्ट हो जाए उसका, ठीक है। तो कभी भी खाली बेसन ना लीजिएगा, हल्के फुल्के कोई भी उसमें मसाले ऐड कर लीजिएगा। और फिर आपने उसमें हल्का हल्का सा पानी ऐड करना है, और जब कंसिस्टेंसी अपने मतलब की हो जाए तो फिर पानी ऐड नहीं करना। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को इस तरह की गाढ़ी सी चाहिए, ठीक है, कि वो स्पून से जो है वो ठहर के गिरे। अगर तो आप इसकी कंसिस्टेंसी पतली रखेंगे तो फिर उसकी कोटिंग सही से नहीं होगी, तो ठीक है थिक कंसिस्टेंसी में आपने करना है। और ये देखिए जी मेरे बटाटे वड़ों की शेप कितनी प्यारी आई है। तो चलें अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब इन सबको एक एक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं फ्राई करूंगी। जो ऑयल है वो हमारा तेज गर्म होना चाहिए कि इसमें जैसे ही बटाटे वड़ा जाए तो साथ ही वो फ्राई होना शुरू हो जाए। सही वाला तेज गर्म ऑयल लीजिएगा आप। हाँ जी, तो इनको फ्राई करने का तरीका आप देख लें, जिससे आपके हाथ मैसी नहीं होंगे। आप इस तरह बटाटा वड़ा डालें बेसन के अंदर और उसको स्पून से सारा कवर करें। स्पून से सारा फोल्ड करने के बाद इस तरह स्पून से ही पकड़ें और ऐसे डायरेक्ट ऑयल में डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ हैं वो बार बार मैसी नहीं होंगे और जो बटाटे वड़े के ऊपर फोल्डिंग है वो भी प्रॉपर सही से होगी। अब इसी तरह मैं सारे के सारे फ्राई कर लूंगी। अच्छा जी, तो अब है जी मेरा फेवरेट टाइम, यानी कि यम यम टाइम, क्योंकि इसका मुझे बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि इतनी मेहनत की होती है उसके बाद अपना जो इतनी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो इस टाइम मिल रहा होता है। तो चलें फिर अब इसको टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। अब इस करारे से और चटपटे से बटाटे वड़े के साथ हम खाएंगे जी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी। माशाल्लाह खुशबुएं इतनी मजे की आ रही है, आई कांट वेट फॉर दिस बाइट। बिस्मिल्ला, यम, बहुत मजे का है माशाल्लाह, इतना अच्छा बना है इसका टेक्सचर इमली की चटनी की, जो खट्टा मीठा सा इसके साथ टेस्ट आता है इमली की चटनी के साथ, तो इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपके कैसे बने हैं। अच्छा, ये लास्ट वाली क्लिप मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई थी कि घर वाले इस तरह बैठे होते हैं कि जल्दी से वीडियो कंप्लीट करें और हम फटाफट से खा लें। देखे कितनी जल्दी में सारे पकड़ते हैं और फटाफट खा जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एक खट्टी मीठी सी और मजेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।